डकैत गुड्डा गुर्जर की भतीजी को पुलिस ने पकड़ा। आपको बता दें कि गिरोह को खाने पीने के सामान सहित राउंड देने जा रही थी। वहीं बानवर पुलिस ने बीती रात कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पूछताछ के बाद डकैत गिरोह के रसद देने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं डकैत गुड्डा गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर की पुत्री पकड़ी गई है। पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया। नूराबाद थाना पुलिस ने बीती रात दो इनामी डकैत को पकड़ा है। वहीं डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह के सक्रिय सदस्य दोनों हैं। पुलिस ने दोनों पर 10,000 का इनाम घोषित किया था। पूछताछ में वहीं पुलिस जुट गई है। दोनों डकैतों पर आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं नूराबाद पुलिस ने 3 दिन पहले ही दोनों को पकड़ा था। जी, जो डकैत है उसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मुरैना एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुरैना के अनुसार एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक गुड्डा गुर्जर गैंग के जो 5 सदस्य हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 संरक्षण जो उसको प्रदान करते थे, रसद पानी भोजन उपलब्ध कराते थे, उसमें 2 पुरुष 1 महिला हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 गुड्डा गुर्जर गैंग के जो सदस्य थे कल उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उन पर 10,000 का इनाम भी था। तो क्या लगता है कि अब गुड्डा गुर्जर के 5 लोगों के पकड़े जाने से गैंग को कुछ असर पड़ा होगा? जी बिल्कुल, गुड्डा गुर्जर गैंग को बिल्कुल असर पड़ा है और संभावना है कि हम कुछ ही दिनों में गुड्डा गुर्जर को भी जल्दी से पकड़ के गिरफ्तार कर लें।